ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 16 अक्टूबर 2022। आज अव्यक्तवाणी है और अव्यक्तवाणी की डेट है 3/11/1992। मधुबन से रिवाइज मुरली चल रही है। आज बाबा ने विशेष कहा कि रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ, उसमें जो निशानियाँ बताई है वो निशानियाँ आपको हम बता रहे हैं। पहली निशानी है संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। दूसरी पॉइंट कही बाबा ने, रूहानी रॉयल्टी की फलक आपके चरित्र से अनुभव हो, सभी को हमारे चरित्र के द्वारा अनुभव हो। तीसरी पॉइंट कही, आपके बोल संबंध संपर्क रूहानी व्यवहार का प्रभाव आपको प्रत्यक्ष करे। चौथी पॉइंट में कहा, रॉयल आत्मा सदा संपन्न माना तृप्त रहती है। पांचवी बात बताई बाबा ने, तृप्त आत्मा सर्व को सदा संतुष्ट करती है। छठी बात कह रहे बाबा, हर बोल युक्ति युक्त हो, कोई भी बोल हमारा व्यर्थ न हो, हर बोल में युक्ति युक्त ही बोल हो। सातवीं बात में कह रहे बाबा, कर्म से सदा सबको सुख दो, हम जो भी कर्म करते हैं उसके द्वारा सभी को सुख ही मिले, दुख न हो किसी को। आठवीं पॉइंट में बाबा ने कहा, जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से संसार से मरना, माना जीते जी मरना। नवी पॉइंट में बाबा ने कहा, अपने संपर्क अपनी चलन चेहरे से सेवा करो, ब्राह्मणों के लिए खास वरदान है, अपने चलन चेहरे से संबंध से रूहानी सेवा करो। दसवीं पॉइंट एक निकाली है, उसमें कहा है, आपस में यदि कोई पूछे कि हालचाल क्या है, तो बाबा ने कहा, आप बोलो, हाल है खुशहाल, चाल है फरिश्तों की, हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और हैप्पी भी है। ये आज बाबा ने कहने के लिए कहा है। और ब्राह्मण कभी उदास नहीं होते, ये पॉइंट मुख्य हमको बाबा ने सिखाई है। और वरदान के अंदर बाबा ने कहा, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। तो आज का वरदान है, सदा खुशहाल आत्मा हो। लास्ट में प्यारे बाबा ने स्लोगन दिया, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। ये रही आज की मुख्य पॉइंट। अच्छा, ओम शांति।